कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। इसी को लेकर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगीनाथ आदित्य समेत कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। नमस्कार, मैं उमंग और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए भाजपा के केंद्र नेतृत्व में गुरुवार देर रात तक मंथन किया। केंद्र चुनाव समिति की बैठक रात लगभग 11 बजे शुरू हुई। इसके पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर लंबी बैठक की, जिस बैठक में पार्टी एक या दो दिन में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों विभिन्न राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ अलग बैठक कर उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं की थी। इसमें लगभग हर सीट पर पैनल थे। बाद में केंद्रीय नेताओं ने पैनल छोटे करने को कहा था। भाजपा दे सकती है टिकट। अब जबकि विभिन्न राज्यों की सूची को लेकर भाजपा नेतृत्व को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जाना है, तो उसने हर सीट पर प्रधानमंत्री के साथ अलग से चर्चाएं की है। सूत्रों का कहना है कि पहली सूची में लगभग 200 उम्मीदवार हो सकते हैं। इनमें अधिकांश सीटें वे होंगी जिन पर भाजपा पिछली बार हार गई थी। इसके अलावा पार्टी पहली सूची में अपने बड़े नेताओं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामों की भी घोषणा कर सकती है। तो वही लगभग 30% सांसदों को बदले जाने की संभावना भी है। कुछ विधायकों को भी भाजपा नेतृत्व टिकट दे सकती है। वीडियो में दी जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।